स्टूडेंट, क्लास 8 हिस्ट्री की बुक चल रही थी हमारी एसएसटी में। लेसन 4 हम करीब करीब कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने इस लेसन का नाम था आदिवासी दिगू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसमें हमने हमारी बहुत सारी जनजातियों के बारे में जाना, किस प्रकार से आदिवासी जनजातियां हैं वो अपना जीवन यापन करते थे, जंगल जो कि उनका जीवन था, जहाँ पर वे अपनी कृषि उपज उपजाते थे और उन्हीं से उनके जीवन दिनचर्या थी वो चलती थी। परंतु समय परिस्थितियां बदली तो बाहर से बहुत सारे व्यापारी महाजन उपनिवेशिक जो आए, उन्होंने उनके लिए बहुत सारे वन कानून बनाए और उनसे उनके जीवन पर काफ़ी बदलाव देखने को मिला। हमारे जो घुमंतू काश्तकार थे वो क्या हो गया, अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी खेती किया करते थे, बाद में वे एक स्थान पर रहने लगे। वन कानून जब अंग्रेजों ने बनाए तो उन्होंने अपने नियंत्रण में सब जंगलों को ले लिया था, राज्य की संपत्ति घोषित किया था, किसी को भी वहाँ पर आने जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, न शिकार करने की परमिशन, न फल इकट्ठा करने की परमिशन। तो वो क्या हुआ, जो जंगल उनकी ज़िंदगी हुआ करते थे, उनको अपने जीवन यापन के लिए रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। अब क्या हुआ, जब दूसरे स्थान पर गए तो अंग्रेज़ों को व्यापार कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कुछ रियायतें बरती और कुछ टुकड़ा उनको ज़मीन का दिया जिस पर वो खेती कर सके, लेकिन इन सब चीज़ों का काफ़ी विरोध हुआ और कई बार खुलेआम बगावतें भी हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था 1906 में और 1930 के दशक में इस तरह के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। साथ ही में कल हमने पढ़ा था व्यापार की समस्याओं के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्यापार में जो मध्यस्थ के रूप में जो लोग थे वह जमकर इनका शोषण कर रहे थे। जैसे कल हमने झारखंड के हजारीबाग के अंदर रेशम के कीड़े जो संथाल जनजाति के लोग बनाया उनका पालते थे, उसके अंदर जो बीच के लोग जो होते थे वो लोग क्या करते, बिचौलिए बहुत मुनाफा कमा रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। अब काम की तलाश में जो हमारे जो जनजाति के लोग थे, जीवन यापन करना है तो चाय के बागानों में जाने लगे, खादानों में जाकर खनन का कार्य करने लगे, जो कि बहुत रिस्की हुआ करता था और उनको पैसा भी पूरा नहीं होता था। कई बार तो उनको जो खदान में काम करने वाले व्यक्ति थे वो बहुत सारे दम घोटू और अंधेरी जो ज़िंदगी थी उसके अंदर उनका शरीर जो था वो टूट जाता था और कई बार तो हादसे हो जाते थे खतरनाक, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। चलिए अब इसमें लेसन में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं नज़दीकी से देखने पर। इसमें हमने बता रहे हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूह के बदलते कानून, उनके व्यवहार पर लगी पाबंदियां और नए करों और व्यापारी और महाजन द्वारा किए जाने शोषण के खिलाफ उन्होंने कई बार बगावतें की। वो बगावतें में सबसे पहले आता है 1831-32 में कोल, जो कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासी थे, और 1855 में संथालों ने, और मध्य में बस्तर विद्रोह 1910 और 1940 में महाराष्ट्र में बरेली में विद्रोह हुआ। ये चार विद्रोह के सन आपको याद रखने हैं जिन्होंने इस तरह के विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इस प्रकार का ही एक विद्रोह आंदोलन था। बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने जो एक स्वर्ण युग की कल्पना की थी, आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पाठ की शुरुआत भी बिरसा मुंडा के उससे ही की थी कि कैसे लोग उनको अपना देवता माना करते थे, उनका फॉलोवर थे, बहुत सारे अनुयायी थे। बिरसा मुंडा जो है, देखिए इनकी जन्म की तिथि याद रखें आप लोग, 1870 के दशक में इनका जन्म हुआ। पिता बहुत गरीब थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियां चढ़ाते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। उनकी परवरिश का मुख्य रूप से बिहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर के आसपास में है ये चीज़ें। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में, आपको मैंने बताया था जब उनके जंगल छीन लिए गए थे तो जगह जगह भटकना पड़ा। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुनी थी। जब ये इधर उधर जाया करते थे तो जो इनके जो आंदोलन हुए, जो विद्रोह हुए, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियां लोगों से जुबानी सुनी। कई बार समुदाय के सरदारों जो मुखिया हुआ करते थे उनके विद्रोहों को आह्वान करते हुए उन्होंने देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे
जब मुंडा लोग दीकू के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। मैं आपको बता दूं, दीकू दीकू जिनको हमने बाहर के लोग कहा है, जब ये बाहरी लोग आए तब इन्होंने क्या किया, मुंडा जनजाति के जो लोग थे उन पर अपना दबाव बताया, उनको उत्पीड़न करना शुरू किया। लेकिन जब ये नहीं आए थे उससे पहले वह पूरी तरह आजाद थे और एक स्वर्ण युग की कल्पना वो करते थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय में परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई के लिए वे लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लेना है जो कि दीकू ने उनके ऊपर जमा लिया है। बिरसा जो थे स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और वहाँ पर मिशनरियों के उपदेशों को सुनने का भी उनको मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने मुंडा समुदाय जिन्होंने एक स्वर्ण युग के साम्राज्य को की कल्पना की थी, तो स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए अधिकार को वापस कर सकता है, इसके बारे में जानकारी ली। वे एक अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें, क्या सोचते थे कि जनजातियों में क्या था, कुछ खराब आदतें थी, अगर वो उसको छोड़ देंगे तो वे अपना स्वर्ण का साम्राज्य वापस स्थापित कर सकते हैं। बाद में बिरसा ने जाने माने एक वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में कुछ समय भी बताया। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव मैं बता दूं, जो विष्णु की पूजा करने वाले लोग होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, ठीक है। तो वैष्णव धर्म को अपनाया और उसका प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने जनेऊ धारण की और शुद्धता और दया पर वो क्या देने लगे, जोर देने लगे, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारकों के संपर्क में आए, जिनके जिनसे उन्होंने कहानियाँ सुनी, उनसे वे बहुत गहरे तरीके से प्रभावित हुए और बिरसा के आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बेसिकली ये चाह रहे थे कि पहले हम खुद सुधरेंगे तभी हम अपना स्वर्णयुग वापस ला सकते हैं। उन्होंने मुंडाओं से आग्रह किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। एक स्वर्णयुग की कल्पना करते हुए बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए, कि इन्हें अपनी शराब पीने की आदत छोड़ देनी चाहिए, गाँव को साफ रखना चाहिए, जादू टोने डायन जैसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ दान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर का मानते थे, यानी दीकू मानते थे, जो मुंडा की जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, क्योंकि दीकू ने ही दमनकारी नीति चलाते हुए इनके जीवन के तरीके में पूरा बदलाव कर दिया था, दमनकारी नीतियों को अपनाया था। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। यानी वे चाहते थे कि जो स्वर्ण युग उन्होंने सपना देखा था, जिस तरह वे जी रहे थे दीकू के आने से पहले, अगर वे पुनर्जीवित करने का संकल्प लेंगे तभी हम वापस अपना स्वर्ण युग ला सकते हैं। इस अतीत में एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा वे करते थे, जहाँ मुंडा लोग अपने जीवन जीते थे, तटीय तटबंध बांधते थे, कुदरती झरनों पर नियंत्रित करते थे, पेड़ पौधों बाग लगाते थे, पेड़ पालन के लिए खेती करते थे। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने विरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ईमानदारी से जीते। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक जाए और अपने खेतों पर काम करें। बिरसा आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई। उन्होंने मिशनरी महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करने का माना और यह आंदोलन की ताकतों को मुंडाओं ने सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेजों की भूनीतियों और उनकी परंपरागत व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन अपनी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी और परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जब यह आंदोलन चला तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। दंगे फसाद का आरोप उन पर लगाकर उनको सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने पर बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और अपनी परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने आह्वान कर रहे थे कि नेतृत्व समाज की स्थापना में इन रावणों को यानी दीकुओं को तबाह, जो उनको तबाह कर रहे थे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाते थे, थानों और चर्चों में हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोला। सफ़ेद झंडा जो था बिरसा का राज का क्या था, प्रतीक था। 1900 के अंदर बिरसा की हिर्जा में मृत्यु हो गई, आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन दो महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोगों पर अपने आदिवासियों की जमीन पर अपना कब्जा न कर सके, और दूसरा, उन्होंने एक बार फिर जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के अंदर आदिवासी सक्षम हैं।
उन्होंने एक खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो आज ये चैप्टर हमने पूरा किया बच्चों, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर